गणपतये नमः। श्री गुरुदेवदत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अद्भुत प्राचीन शाबर यंत्र के बारे में बता रही हूँ, जिसे अपने पास या अपने मकान या व्यापार स्थान में रखने से साधक को तुरंत धन लाभ होने लगता है। और अगर साधक व्यवसाय कर रहा है तो उसके व्यवसाय में तुरंत उन्नति होने लगती है और उसके बिजनेस का चारों ओर से विकास होने लगता है। यह एक नवनाथ पंथीय शाबर धन आकर्षण यंत्र है, जो सिद्ध नवनाथ गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ और श्री गोरखनाथ जी को संबोधित करता है। और इसमें प्रचंड धन आकर्षण ऊर्जा उत्पन्न करने की अलौकिक शक्ति है। इसलिए शीघ्र पैसा पाने की मनोकामना रखने वाले साधकों को यह एक रामबाण उपाय साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस यंत्र को किसी भी शुभ मुहूर्त, जैसे कि किसी भी शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ योग, शुभ नक्षत्र या किसी भी त्यौहार के दिन बनाया जा सकता है। या अगर यह संभव ना हो तो साधक इस यंत्र को किसी भी दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके बना सकता है। इस यंत्र को बनाने के तीन तरीके हैं। साधक इस यंत्र को एक भोजपत्र पर लाल चंदन की पेस्ट से एक नुकीले लकड़ी के टुकड़े से बना सकता है। लाल चंदन यानी कि रक्त चंदन के पाउडर में थोड़ी सी पानी की बूंदें मिलाकर उसकी पेस्ट बनाकर उस पेस्ट से इस यंत्र को बना सकता है, या इसे एक तांबे के पत्रे पर बनाकर ले सकता है, या एक सफ़ेद रंग के कागज पर लाल रंग के स्याही के पेन से बना सकता है। अगर साधक कागज या भोजपत्र पर इस यंत्र को बनाना चाहता है तो इस यंत्र को लैमिनेट करना उचित होगा, क्योंकि ऐसा करने से यंत्र खराब नहीं होगा। यंत्र बनाने के बाद साधक को उसके सामने धूप या अगरबत्ती और दिया प्रज्वलित करना है और एक प्रार्थना करनी है कि जिस हेतु के लिए उसने इस यंत्र को बनाया है उस हेतु की पूर्ति तुरंत हो जाए। इसके बाद साधक इस यंत्र को अपने घर या व्यापार के स्थान यानी कि दुकान, ऑफिस या अन्य किसी भी जगह पर उसे मुख्य द्वार की तरफ मोह करके वाले दीवार पर लगा सकता है, या साधक इस यंत्र को अपने जेब में, पर्स में या बटुए में भी रख सकता है। अगर किसी भी कारणवश यंत्र खराब हो जाए तो साधक इस यंत्र को पानी में विसर्जित करके इसी विधि के साथ दूसरा यंत्र बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकता है। इस यंत्र को लिखने की किसी भी प्रकार की चाल नहीं है और अक्षरों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। अब मैं आपको यंत्र कैसे बनाना है वह बता रही हूँ, कृपया ध्यान से देखिए। नमूने के तौर पर मैंने सफ़ेद रंग के कागज पर लाल रंग की स्याही के पेन से यह यंत्र बनाया है। यह देखिए, पहले मैंने एक स्क्वायर निकाला है और स्क्वायर के चारों बाजू में मैंने ऐसे लिखा है, ओम गोरखनाथाय नमः, ओम मच्छेंद्रनाथाय नमः, ओम गोरखनाथाय नमः, ओम मच्छेंद्रनाथाय नमः। उसके बाद स्क्वायर के अंदर आपको इस तरह से यह शब्द लिखने हैं,
अब मैं वह शब्द बता रही हूँ। नम, छम, जम, चम, दम, दम, छम, चम, जम, छम, जम, यम, छम, नम, जम, हम। बस आपको इतना ही करना है। इस शाबर नवनाथ धन आकर्षण यंत्र के अंग्रेजी आर्टिकल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।